चलिए आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि मेल कैसे करें, मेल पे मैसेज जो आता है ईमेल पे वो कैसे करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ईमेल करने के लिए पहले ये ईमेल वाला फाइल है जो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी सख्त ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद चलिए पहले ईमेल को, इसके फाइल को पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने के बाद इसका इंटरफेस ऐसा देखने को मिलेगा। उसका यहाँ पे प्लस का जो चिन्ह दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे किसी को मैसेज भेजने के लिए ईमेल पे। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं प्लस वाले आइकन पे। उसके बाद यहाँ पे ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे फॉर्म में खुद का ईमेल रहेगा और जिसको भेजना है टू है उसको उसका वहाँ पर ईमेल लिखना होगा जिसको भेजना है। तो चलिए लिख लेते हैं। ऊपर में खुद का रहता है और नीचे में जिसको भेजना रहता है जो ईमेल आईडी पे उसका ईमेल यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। चलिए एंटर कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे इंटर हो गया। यहाँ पे सब्जेक्ट जो लिखा हुआ उसके नीचे उस मैसेज जो करेंगे उसके बारे में लिखना है, किस चीज़ के बारे में है यहाँ पे सब्जेक्ट। तो चलिए टू ट्रॉय में लिख लेते हैं जिस चीज़ के बारे में उसके विषय उस और चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। चलिए बताने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं और नीचे में है जो मैसेज जिसको करना है ईमेल वो यहाँ पर लिखना है, जो भी जितना बड़ा यहाँ पे आप लिख सकते हैं जिसको उसको भेजना है मेल करना है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं बताने के तौर पे आप लिख लेते हैं। यहाँ पर जो कुछ भेजना है उसना है तो वहाँ पे ये आइकन दिख रहा है, फाइल उल भेजना है या पिक उक भेजना है, मेल करना है किसी को। तो यहाँ पे ऊपर आइकन जो दिख रहा है उसको क्लिक करेंगे, अटैच फाइल को क्लिक करेंगे उस पर सबसे ऊपर वाले पे। उसके बाद फाइल में चला जाता है। उसके बाद फाइल में जाने के बाद आपको जो वीडियो या जो डॉक्यूमेंट्स भेजना है यहाँ से या पिक भेजना है फोटो भेजना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और भेज सकते हैं। वो टेक्स्ट मैसेज के साथ दोनों चला जाएगा, मेल हो जाएगा। यहाँ पे पिक सेलेक्ट कर लिए एक जो कि दिखाने के तौर पे आप लोगों को बता दे रहे हैं। यहाँ पे जो और लिखना है लिख सकते हैं, जो भी जिसको मेल करना है जो भी आप लिख सकते हो। और यहाँ पे जो ये वाला तीर वाला बटन जो दिया हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे तो मैसेज चला जाएगा ईमेल। जो मैसेज गया है वो सबसे ऊपर में शो करेगा। आप देख सकते हो मैसेज कैसा गया, कहाँ गया, किसके पास गया वो दोबारा से आप देख भी सकते हैं। यहाँ ऊपर में दिया हुआ है मी मेल टू ट्राई मी, इस पर क्लिक करके चेक कर लेंगे कि क्या क्या लिखे हैं, क्या भेजे हैं यहाँ पे देख लेंगे। जिस शख्स के पास भेजें उसको पूछ लेंगे क्या मेल गया आपके पास, तो वहाँ से भी रिस्पॉन्स मिल जाएगा आपको कि हाँ आ गया है। चलिए यहाँ पर सेंड सेंट लिखा हुआ है, यहाँ से भी इसको क्लिक करके यहाँ से भी चेक कर सकते हैं आप। यहाँ से देखिए जितने को मैसेज मैं इधर से मेल किया हूँ सब यहाँ पे है, शो कर रहा है। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं आप कि किस किस के पास मेल गया है। सबसे फर्स्ट में है जो अभी किए हैं वही मेल है। ओके ठीक, वीडियो कैसा लगा वो आप बता सकते हैं। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज जो पूछना है और तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वो अलग से वीडियो बना सकते हैं हम। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।